Hello, good morning everyone. You all are welcome in our English class. Today we are going to start English grammar chapter number 1, exercise number 2 that I have given yesterday as your homework. Let's revise and let's check your answers for you which you have written as your homework. Okay, so from 7 we have remaining to answer. Okay, that I have given as your homework. So, question number 7. She became a teacher at a young age. So, we have to find out over here verb, object, complement, and adverb. So, sentence number 7. She is the subject, but we don't have to find subject. We have to find verb, object, complement, and adverb. Okay. So became is a verb. Now, object is she became a teacher. Teacher is an object. Then complement is she became a teacher at a young age. So here complement is not there, but which thing is given at a young age? Young age means this, so the time. Okay, so adverb is given in this sentence, adverb of time, at a young age. So complement is not there, but adverb is there. Okay, now 7 number. Sorry, 8 number. She looked tired yesterday. So she is a subject. Look is a verb form and a second form of the verb. So your verb form may I learn look. Okay. How she is looking? मैंने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट अगर आपको ढूंढना है तो हाउ क्वेश्चन पूछने से मिलेगा और ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको पूछना पड़ेगा व्हाट एंड हु. दिस टू क्वेश्चंस वी कैन फाइंड आउट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस एंड हाउ. अगर आप हाउ क्वेश्चन पूछोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट से दिखेगा कि सी लुक कैसे दिख रही है वो टायर्ड. तो टायर्ड इज अ कॉम्प्लीमेंट टायर्ड. ओके यस्टरडे इज टाइम ऑफ एडवर्ब. यहां पे आएगा यस्टरडे इसमें कॉम्प्लीमेंट हमेशा कोई चीजों के बारे में अगर कुछ बताते हो आप तो दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे बोला है कि सी इज अ लॉयर, वो लॉयर है तो उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट करता है, वो क्या है उसके बारे में लिखता है. नाउ 10th वन, सी लिव्स इन अ फ्लैट. सी इज अ सब्जेक्ट, लिव्स इज अ वर्ब फॉर्म. चलो अब है इन अ फ्लैट. इन अ फ्लैट क्या है? इन अ फ्लैट, एक तो इन अ फ्लैट वो प्लेस दिखा रहा है कि वो फ्लैट में रह रही है, तो वो प्लेस ऑफ एडवर्ब भी है. ओके, और कॉम्प्लीमेंट भी है, दोनों हो सकता है, तो सेम आएगा दोनों में. इन अ फ्लैट सेम एडवर्ब भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. आई होप दैट यू डन वेरी वेल. नाउ एक्सरसाइज नंबर 3. It is on page number 3 and 4.
लिख दिया है बंसी? यस। In this exercise, we have to find out direct object and indirect object. Okay? तो direct object और indirect object हम समझेंगे. जैसे active passive voice होता है, तो passive voice में हम पहले object को आगे रखते हैं. Okay? She likes mango. क्या पसंद है उसको? Mango. तो mango हम आगे लेते हैं. Mango is liked by her. तो क्या पसंद है उसे? Mango. तो mango हमने आगे लिया, तो that's called direct object. और एक और example सुनो. Teacher gave me a prize. Teacher gave me a prize. Teacher ने मुझे prize दिया. क्या दिया? Prize दिया. तो prize आगे आ जाएगा, तो that is direct object. किसे दिया? Me. तो me is indirect object. Understood? Okay. इसी sentence को ध्यान में रख के आपको सारे answers देने हैं exercise number 3 के. Direct object होगा वो direct आगे आ जाता है, है ना? क्या दिया? और किसको दिया? तो दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देखो सेकंड वन, देखो माय स्कूल हैज ऑफर्ड मी अ स्कॉलरशिप. चलो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर सर्कल और इनडायरेक्ट के नीचे अंडर. मैंने जो सेंटेंस आपको एग्जांपल में दिया सेम एग्जांपल है यहाँ पे. माय स्कूल हैज ऑफर्ड मी अ स्कॉलरशिप, व्हिच इज डायरेक्ट, व्हिच इज इनडायरेक्ट. बोलो. बोलो वंशी बराबर, और वीडियो ऑन कर दो. नाउ गिव आंसर. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, माय टीचर गेव मी अ प्राइज. अ प्राइज इज डायरेक्ट एंड मी इज इनडायरेक्ट. इन दिस सेंटेंस माय स्कूल हैज ऑफर्ड मी अ स्कॉलरशिप, which is direct object and which is indirect object. Bolo. एग्जाम्पल समझ में आया होगा तो आंसर आएगा, नहीं तो आंसर में मिस्टेक्स होगी. क्या दिया? दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज डायरेक्ट. किसे दिया? दैट इज अनदर थिंग. तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्कॉलरशिप. क्या है तो स्कॉलरशिप डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? डायरेक्ट. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? किसे दिया स्कॉलरशिप? स्कूल ने दिया. स्कूल ने दिया नहीं, किसको दिया ऐसा बोल रही हो? स्कूल हैज माय टीचर गेव मी अ प्राइज. ओके, क्या दिया टीचर ने? प्राइज दिया. That is direct object. किसको प्राइज दिया? मुझे प्राइज दिया. So that is indirect object. अभी इस वाले सेंटेंस में से देख के आंसर दो एक्सरसाइज नंबर 3 के सेंटेंस नंबर 2 का. डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है? वीडियो ऑफ मत करो, ऑन रखो. बोलो. स्कॉलरशिप इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है इसमें? बंसी टर्न ऑन योर वीडियो.
is a indicator. Now sentence number three. Jatin owes her 20 rupees. Jatin owes her 20 rupees. Same sentence है. ये वाला example देखो कि तो सारे समझ में आएंगे. Direct क्या है और indirect क्या है? ₹20 direct. क्या है ₹20? Direct. और indirect? Her. हाँ, her. Yes. करो. ₹20 के ऊपर सर्कल करो और हर के नीचे अंडरलाइन करो. हो गया. फोन नंबर. सी पास्ड मी द सॉल्ट. उसने मुझे सॉल्ट दिया, मतलब पास किया. बाजू में बैठे होते तो पास करते हैं ना सब चीजें से. सी पास्ड मी द सॉल्ट. सॉल्ट डायरेक्ट है. सर्कल करो. द सॉल्ट पास क्या किया? तो सॉल्ट पास किया तो उसके ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सर्कल. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी. मी अंडरलाइन. फिफ्थ वन. सी गेव द वेटर अ 100 rupees नोट. व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट? सी गेव द वेटर 100 rupees नोट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? 100 rupees. 100 rupees नोट उसके ऊपर सर्कल आएगा. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एग्जाम्पल देखोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा. मैंने एग्जाम्पल लिखा ही है जो आपको सारे सेंटेंसेस समझा रहा है. यहाँ पे भी लिखा है टीचर गेव मी. यहाँ पे लिखा है द शी गेव द वेटर. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? किसको दिया उसने 100 rupees का नोट? किसको दिया? वो डिड शी गिव? वेटर. हाँ, किसको दिया? वो इनडायरेक्ट वाली बात है. क्या दिया दैट इज इम्पोर्टेंट. तो उसे हम मेन काम बोलते हैं. क्या दिया? तो 100 rupees का नोट दिया तो दैट इज डायरेक्ट. किसको दिया? वो इनडायरेक्ट वन है. ओके, तो इनडायरेक्ट वेटर को दिया. और शी इज द सब्जेक्ट एंड गेव इज अ वर्ब फॉर्म. सेंटेंस के सारे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए. शी इज द सब्जेक्ट. गेव मतलब देना है ना, लेना. तो गेव इज अ वर्ब फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वेटर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या दिया? 100 rupees का नोट दिया, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. चलो गुड. सिक्स नंबर. द टूर गाइड गेव एवरी टूरिस्ट अ हार्टली वेलकम. सारे सेंटेंसेस एक जैसे ही है, कोई चेंज ही नहीं. वेलकम. वेलकम क्या है? डायरेक्ट. बट कैसा वेलकम दिया है? खाली वेलकम नहीं है. देखो वेलकम हार्टी. हार्टी ओ से करना है. एक दिल से वेलकम किया. वेलकम तो किया बट कैसा? तो दिल से. तो ओ हार्टली वेलकम के ऊपर सर्कल आएगा बिकॉज़ इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट क्या है? टूरिस्ट. खाली टूरिस्ट ही है. एक ही टूरिस्ट को दिया था वेलकम. एवरी टूरिस्ट. खाली एक ही टूरिस्ट पसंद है उसको ही वेलकम किया था. तो सब कुछ देखो फिर एवरी को क्या करोगे? टूरिस्ट के नीचे अगर आप अंडरलाइन कर दोगे फिर एवरी को कहाँ रखोगे? एवरी कौन सा पार्ट है? एवरी टूरिस्ट पूरा साथ में आएगा. सारे टूरिस्ट को किसको वेलकम किया? पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछो तो आपको आंसर मिलेगा. क्या किया? तो वेलकम किया, हार्टली वेलकम. किसको किया? तो हर एक टूरिस्ट को किया. एवरी टूरिस्ट के नीचे अंडरलाइन आएगी एवरी टूरिस्ट. नाउ सेवेंथ नंबर. द प्रिंसिपल टोल्ड ऑल ऑफ अस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इंटरेस्टिंग स्टोरी. हाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी. इंटरेस्टिंग स्टोरी. हाँ करो, सर्कल करो. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्रिंसिपल. सर ने क्या सुनाया? स्टोरी सुनाई. तो सर्कल किया आपने. ओके, अब अंडरलाइन काम पे आएगा. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ,
प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज अ सब्जेक्ट क्या प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज अ सब्जेक्ट वो तो सेंटेंस के सबसे आगे दिया है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलना है अस अस बस खाली अस ही आएगा क्या लिखा है देखो ओके चलो अब है ना इसमें से पार्ट निकालते हैं आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है देखो चलो मैं सेंटेंस लिखती हूँ देखो बराबर से समझो ना समझ में आए तो पूछो देखो मैं यहाँ पे पार्ट्स बनाती हूँ सेंटेंस के द प्रिंसिपल सबसे आगे है दैट मींस इट इज द सब्जेक्ट पता चला जो आगे रहता है वो सब्जेक्ट होता है सिंपल सेंटेंस में ऑसर्टिव सेंटेंस में आपकी बात नहीं कर रहा सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है टोल्ड क्या है टोल्ड क्या है टोल्ड बोलो टोल्ड कौन सा पार्ट है सेंटेंस का टोल्ड क्या है ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है एडवर्ब है या वर्ब है बोलो बंसी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब या वर्ब ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है काम आप कुछ काम करते हो ना दैट इज योर ऑब्जेक्ट I ate banana. मैंने बनाना खाया क्या खाया बनाना खाया तो बनाना आपका ऑब्जेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आप जो काम करते हो वो और वो हमेशा वर्ब के पीछे रहता है टोल्ड मतलब कहना कहा भूतकाल में लिखा है टेल का टोल्ड हुआ है दैट इज वर्ब फॉर्म क्या ऑब्जेक्ट वर्ब में नहीं पता चलता है वर्ब मतलब एक्शन वर्ब्स नाचना कूदना दौड़ना खाना पीना कहना बोलना सुनना सोना उठना ये सारे वर्ब्स है एक्शन वर्ब्स है तो टोल्ड मतलब कहना दैट इज वर्ब फॉर्म कौन सा वर्ब है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है अब आपने मुझे ऐसा बोला कि मैं खाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर अंडरलाइन कर दो तो मैंने कर दू अब ढूंढना है किसको कहा इंटरेस्टिंग स्टोरी प्रिंसिपल सर ने तो उनको कहा तो बस तो ये सारी चीजों को क्या करोगे फिर ये जो बाकी बचा है उसे क्या करोगे ऑल ऑफ बच गया और यहाँ पे अ वेरी बच गया उसे क्या करोगे सेंटेंस में से निकाल देना है तो किसको स्टोरी कहा प्रिंसिपल सर ने हम सबको कहा ऑल ऑफ अस मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हुआ ऑल ऑफ अस अस नहीं है हम सब है ऑल ऑफ अस अस का मतलब होता है हमें बट हम नहीं है ऑल ऑफ अस देखो तो ऑल ऑफ अस के नीचे अंडरलाइन आएगी बिकॉज इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग स्टोरी तो है ही बट कैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो वेरी राइट फिर इसको छोड़ नहीं देना है सेंटेंस में से ओके चलो नाउ रिमेनिंग एक्सरसाइज यू हैव टू डू एंड यू हैव टू साइन इन द ग्रुप अदरवाइज योर एब्सेंट विल बी नोटेड फॉर दिस डे Exercise number 4 that you have to do as your homework and remain sentences also. Remain sentences कौन कौन से है 8, 9 और 10. Okay? और exercise number 4. करके मुझे अभी group में send करो. Okay? Practice करोगे तो भूल नहीं होगी. Okay, Vansi? Practice करो, समझो और मुझे group में send करो.